काशी के डोमराजा जगदीश चौधरी का 55 वर्ष की आयु में मंगलवार की सुबह निधन हो गया। पिछले कई दिनों से वह बीमार चल रहे थे और एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। डोमराजा की मौत के बाद पूरे काशी में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर डोमराजा के निधन पर दुख जताया और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। 2019 के संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक बने जगदीश चौधरी के निधन से पूरी काशी में शोक है। पीएम ने लिखा कि वाराणसी के डोमराजा जगदीश चौधरी जी के निधन से अत्यंत दुख पहुंचा है। वे काशी की संस्कृति में रचे बसे थे और वहां की सनातन परंपरा के संवाहक रहे। उन्होंने जीवन पर्यंत सामाजिक समरसता के लिए काम किया। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और परिजनों को इस पीड़ा को सहने की शक्ति दे। डोमराजा की मौत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर उन्हें सामाजिक समरसता की भावना का प्रतीक बताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सामाजिक समरसता की भावना के प्रतीक पुरुष काशीवासी डोमराजा श्री जगदीश चौधरी जी का निधन अत्यंत दुखद है। श्री जगदीश चौधरी जी का कैलाश गमन संपूर्ण भारतीय समाज की एक बड़ी क्षति है। बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना है कि आपको अपने परम धाम में स्थान प्रदान करें। ओम शांति। पीएम मोदी का प्रस्तावक बनने के बाद जगदीश चौधरी ने कहा था कि अब हमारे समाज को अलग पहचान मिली है। पहली बार किसी राजनीतिक दल ने हमें यह पहचान दी है। हम बरसों से लानत झेलते आए हैं। हालात पहले से सुधरे जरूर हैं, लेकिन समाज में हमें पहचान नहीं मिली है। और प्रधानमंत्री चाहेंगे तो हमारी दशा जरूर बेहतर होगी। उन्होंने यह भी कहा था कि नेता वोट मांगने आते हैं, लेकिन बाद में कोई सुध नहीं लेता। हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका घाट में करीब 500 से 600 डोम रहते हैं, जबकि उनकी बिरादरी में 5000 से ज़्यादा लोग हैं। दोनों घाटों पर सभी डोम की बारी लगती है और कभी 10 दिन या 20 दिन में बारी लगती है, बाकी दिन बेगारी। कोई स्थायी नौकरी नहीं है और कमाई भी इतनी नहीं कि बच्चों को अच्छी जिंदगी दे सके। जगदीश चौधरी ने पीएम मोदी का प्रस्तावक बनने पर गर्व जताते हुए कहा था कि यह पूरी बिरादरी के लिए गर्व की बात है कि मैं प्रधानमंत्री का प्रस्तावक बन सका। हम समाज में पहचान पाने को तरस गए हैं। उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जीतने के बाद हमारी पीड़ा समझेंगे और हमें वह दर्जा समाज में दिलाएंगे जिसकी शुरुआत आज हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आई न्यूज़ इंडिया।